रिवॉल्वर था, अच्छा मतलब कई लेयर थे रिवॉल्वर तो मतलब। तीन अच्छा तीन तीन थे। रिवॉल्वर तो मैंने देखे हैं, अच्छा पटापट पटा बजाते जावा थे, उड़ लग गए हैं। आर यू बताने लग रहा, इनका ठेका दो रवि बजाया, इनका खेत दो रवि। तो उनका तो मतलब यू मकसद था वे कोई और राग गाया तो वो बीच में रोक ना ले, हाँ पकड़ ना ले, हमने यू मकसद था। तो की कुछ मोल है इस घटना के बाद, क्यों सरपंच बड़ा मिलन चाह रहा था, तो गांव का खराबे हो गया है या घटना अच्छी को नहीं हुई। एक मिनट, हाँ शादी शुदा थे सरपंच। अपनी बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए महाविद्यालय में दाखिला जरूर करवाएं। इन्हे का परिवार है, एक के परिवार है, चाचा ताऊ के हैं। अंडर लिया मराए गए, मैं तो लेकर निकला नहीं, इतना तो गोली मार दी थी गदा गदा पांच। आप अंदर गए थे? अंदर ना, हाँ अंदर गया था घर पे, इतना तो देखे पड़े पाँच। मैंने रुके तो मेरी दुकान आगे बैठा था, वहीं यूं फायर करते गए नहीं। अच्छा धड़ाधड़ धड़ाधड़ भावे क्यों गया वहाँ, पटाखे क्या बाजे हाँ चक्कर है। फिर मैंने उन तेनी हाथ भी दिया, बल्कि अरे मैं रुकी क्या बजावा है, जब देखा नहीं ओरिजिनल दो तो आड़े पकड़ रहे थे। अच्छा रिवॉल्वर। जो घटना हुई तो जो लोग यहाँ मौके पर मौजूद थे, सरपंच के साथ बैठे थे, तो गांव के विकास या गांव की अन्य समस्याओं को लेकर बात कर रहे थे, वो दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या कुछ पूरी घटना हुई उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार जी। क्या नाम है? सुरेश कुमार जी। तो सुबह जो घटना हुई है इसी घर के बाहर हुई थी? हाँ, तो हम आमने सामने बैठे सरपंच जी बात कर रहे थे, भाई यहाँ एक दो पेड़ लगाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, कुछ भी करा आपके हवाले छोड़ रखे है। ठीक है ठीक है जी। तो फिर उधर से आए वो, और जो बोला है बोला, उसको इधर लगाया एक ने, अरे एक ने उधर लगाया, बोला बोला बोल वो मनीष को, उसने नहीं बोला, उनकी दो गोली मारी मनीष भाग गया। दो युवक थे वो? हाँ दो जने थे। अच्छा। तो भाग गया मनीष वहाँ से, फिर पीछे पीछे भाग लिए, फिर वहाँ ढह पड़ा, फिर मारी है चार पाँच या गोली, फिर यहाँ भी गोली मारी, यहाँ भी मारी। एक गोली हमारी है। दो मारी हैं जी दोनों ने। हाँ तो फिर मैं वो उसके साथ में गया, तो वो जो उसके साथ में नाम नहीं जानता, वो मेरे साथ ऐसे कर रहा था, मेरे कान भी गोली। अच्छा, आपकी फिर मैं चुप हो गया। तो क्या रंजिश है, क्यों सुबह सुबह जैसे इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया? सर जी हमको तो इतना लले पहले से था, मड़ा दूड़ा हो गई थी, अब चार पाँच साल हो गई पहले से कि मैं मड़ा दूड़ा हुआ था इनका, तो अब तो कुछ नहीं था। ये है भाई, ये गांव का मुखिया बन गया है, इनका यही बात की दर्द है बस भाई, ये सरपंच। हाँ ये सरपंच बन गया, ये गांव इसी के पास लग लिया, हमारे पास कोई नहीं लगा है। क्या इलेक्शन भी लड़ा था उन्होंने? हाँ इलेक्शन लड़ा था जी, तो वो इलेक्शन वाली रंजिश हो गई। हाँ जी, और तो ये सारा परिवार की साजिश है इनकी। हाँ जी, तो उनको पता नहीं चलेगा क्या, कहाँ से पैसा ले आएंगे, कहाँ से अपना सामान लाएंगे, उनको पता नहीं है क्या, कैसे ले आएंगे डाका मार के। डाका मारेंगे तो फिर कहीं डाका में भी पकड़े जाएंगे जी। बिल्कुल। हाँ तो इनकी, अरे मेरे सामने जो तीन दिन से आया हुआ हमें, ऊपर से वो जो लड़का था उसके साथ में बोला का, वो यहीं दिन रात रहता था, मतलब यहीं रैकी करनी थी भाई, यहाँ बैठते हैं इस समय वो। हाँ और वहीं भाई फिर वो मार कर एक फायर यहाँ करे, एक उधर फायर किया है, फायर तो मेरी दुकान लग कर दे गए। हाँ तो फिर वहाँ से बाइक को लेकर गए, बाइक मतलब फायर करते गए बस, गांव का और कोई बोल लेना ऐसे का माल बन जाए। हाँ हाँ ऐसे भी करे है ऐसे के। तो आप भी मौके पर थे? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? चौकीदार। चौकीदार प्रिंसिपल। हाँ जी। तो क्या घटना? मैं तो लेकर सिलेंडर लिया मराए गए। अच्छा। मैं तो लेकर निकला नहीं, इतना तो गोली मार दी थी गदा गदा पांच। आप अंदर गए थे? अंदर ना, हाँ अंदर गया था घर पे, इतने से देखे पड़े पाँच, मैंने रुके मारे बहुत। तो ये मकान भी सरपंच का ही? ये तो दफ्तर ऑफिस बनाया है, मतलब इसका मकान ही हुआ, इस मकान में भाई का है, इसका मकान था, मैं रहता था चौकीदार था। ये ऑफिस बनाया है उसने, सरपंच ने मकान वो है पीछे, ये तो सरपंच ने ऑफिस बना रखा है, इसका भाई ये का मकान है इसका, मतलब जो भी फैसले करने हो या गांव की समस्या पूरे बैठ के ना, पूरे बैठ के करया कर दे। हां ये इसका तो बैठे थे एड़े स्टूल पे, यू बैठ रहे हैं, सरपंच के गोली मारी उसके बाद भी कहया गाल में ना, मैं तो मेरी दुकान आगे बैठा था, वहीं यूं फायर करते गए नहीं। अच्छा धड़ाधड़ धड़ाधड़ भाभी क्यों गया वहां, पटाखे क्या के बाजे हां आज मां को खुशी नहीं, कोई बालक नहीं, बच्चा नहीं, जाए मेरे पड़ोस में कुछ नहीं, मके चक्कर है। फिर मैंने उन तेनी हाथ भी दिया, बल्कि अरे मैं रुकी क्या आगे बजावा है, जब देखा नहीं ओरिजिनल दो तो आड़े पकड़ रहे थे। अच्छा रिवॉल्वर, अरे एक गल फायर सफेद रिवॉल्वर था। अच्छा मतलब कई लेयर थे रिवॉल्वर तो? तीन। अच्छा तीन तीन रिवॉल्वर तो मैंने देखे हैं। अच्छा। पटापट पटा बजाते जावा थे, उड़ लग गए हैं। आर यू बताने लग रहा, इनका ठेका दो रवि बजाया, इनका खेत दो रवि।
तो उनका तो मतलब यू मकसद था कोई और आग आया तो वो बीच में रोक ना ले हुए हाँ पकड़ ना ले हुए तो हमने यू मकसद था तो की कुछ मोल है इस घटना के बाद क्यों सरपंच बड़ा मिलन चार आदमी बताए गए थे गांव का खराब बे हो गया या घटना अच्छी को नहीं हुई एक मिनट हाँ शादी शुदा थे सरपंच हाँ जवान था युवा छोरा था कोगना बड़ा बूढ़ा थोड़ा था जवान जिस परिवार के वो युवा बताए गए हैं वह आप जानते होंगे उस परिवार का कोई आदमी आया मौके पे उस परिवार का कोई आदमी आया किसका जिसने ये घटना करी इन्हें का परिवार है एक के परिवार है चाचा ताऊ के हैं इसका सगाई ताऊ का छोरा है यू सरपंच जिन सगे गोली मारी है वो भी इलेक्शन में खड़ा था वो भी इलेक्शन में खड़ा था तो मतलब इलेक्शन सरपंच की ही रंजिश माने जाए के बिरा याए मानी जाओगे भी और तो यही मानता हूं यही और तो कि मैं रोड़ा है मनी सगे भाईया में की दिक्कत हुआ है नहीं पहला 4-5 साल पहला बताए हैं वो के मामला था अच्छा 4-5 साल पहले का बतावा जो जूं वो तेरा भाई और कृष्ण कृष्ण था नहीं सतवीर गल होया था तो ग्रामीणों का कहना है कि सरपंची का चुनाव भी मनीष सरपंच के खिलाफ उन युवाओं ने लड़ा था जो आज इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं तो पूरे गांव में मातम छाया है और दहशत का माहौल भी है जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि यहां फायर किए गए इसके बाद गली से होते हुए गांव से बाहर निकलने के बाद भी वो युवक फायर करते हुए निकले हैं 2 या 3 हथियार उनके पास ग्रामीणों ने देखे हैं तो इस पूरी घटना को देखकर आपका क्या कहना है क्योंकि युवा और मौजूदा सरपंच की इस प्रकार हत्या कर देना कहीं ना कहीं एक दहशत भरी खबर हमें देता है और इस प्रकार की घटनाएं होती है तो पूरे गाँव में दहशत होती है तो क्या कुछ कहना है वो प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएँ पुलिस प्रशासन नरवाना के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम और अन्य जो कार्रवाई है वो कर रहा है तो इसके लिए अधिकारियों से भी बात की जाएगी किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है क्या कुछ पूरा मामला था और किन हथियारों से गोलियां चलाई गई हैं।